नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इंटरमीडिएट का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है दोस्तों, तो यह चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद सिर्फ आपका एक ही टॉपिक बचेगा, इसमें वर्ग 18 के तत्व। ठीक है, तो वर्ग 17 का ही आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है एक तो आक्सो अम्ल, इसके अलावा अंतरा हैलोजन यौगिक पढ़ना है। ठीक है, तो आक्सो अम्ल किसका पढ़ेंगे दोस्तों? हम लोग हैलोजन समूह पढ़ रहे हैं, हैलोजन परिवार पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हैलोजन परिवार के ही आक्सो अम्ल को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट में पूछा गया है कि आक्सो अम्ल कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनकी संरचना मैक्सिमम जो पूछी जाती है आपसे, इसकी संरचना पूछी जाती है, इसके बारे में थ्योरी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो पूछा जाता है वो ज्यादा से ज्यादा संरचना के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन संरचना हम कब पढ़ेंगे? जब पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन कौन से आक्सो अम्ल बनते हैं, फिर इसके बाद उसकी संरचना बना करके देखेंगे, और इसके बाद आज का जो है आपका दूसरा टॉपिक चालू होगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड, जिसे आप लोग बोलते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जो हमारा हैलोजन परिवार होता है वह आक्सो अम्ल बनाता है, आपको पता ही है। ठीक है, आप लोग सब वेल नोन है इससे। तो जो आक्सो अम्ल बनता है वह जितने भी आपके, चाहे वह फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, ठीक है, ये जो चारों प्रमुख तत्व हैं किसके, आपके हैलोजन समूह के, ये सभी जो है अलग अलग आक्सो अम्ल बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्लोरीन होता है दोस्त, ये जो फ्लोरीन होता है यह आपके जो पीरियडिक टेबल है यानी कि आवर्त सारणी जो है उसमें सबसे छोटा साइज का है। ठीक है, सबसे छोटा साइज का है, और विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है और इसकी साइज छोटी है। इसी वजह से क्या करता है, यह फ्लोरीन सिर्फ सिर्फ एक ही आक्सो अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सिर्फ एक आक्सो अम्ल बनाता है, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइपोफ्लोरस अम्ल। क्या नाम लेते हैं? हाइपोफ्लोरस अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लोरीन का सिर्फ एक ही आक्सो अम्ल बनता है, इस फ्लोरीन तत्व का सिर्फ एक आक्सो अम्ल बनता है, जिसको नाम लेते हैं हाइपोफ्लोरस अम्ल बोला जाता है। इसके अलावा जो क्लोरीन है, क्लोरीन सबसे ज्यादा मात्रा में आपका आक्सो अम्ल बनाता है। क्या करता है? सबसे ज्यादा मात्रा में आक्सो अम्ल बनाता है। ठीक है, यह जो है, इसके अलावा यह कितने बनाएगा आक्सो अम्ल? 4 आक्सो अम्ल बनाएगा। इसके अलावा ब्रोमीन और आयोडीन जो है यह सभी 3-3 आक्सो अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एक चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज आपको एक बात बता दूं कि जो आपका आक्सो अम्ल होता है यह जो है शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, एकदम विशुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। यह जो है या तो जली विलयन में पाया जाएगा या फिर लवण के रूप में पाया जाएगा। मतलब आप अगर इसको चाहेंगे कि प्योर फॉर्म में पालें तो यह संभव नहीं है। यह 2 अवस्थाओं में रहता है, या तो जली विलयन में रहेगा अथवा लवण के रूप में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई भैया? तो आइए हम लोग इसको एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी भी जो है एक चार्ट के माध्यम से समझाती है। देखिए, यहां पर इस ग्रुप में आपका लिखा गया, इस लाइन में आपका लिखा गया, इस रो में आपका लिखा गया है होलिक अम्ल। क्या लिखा गया है? हेलिक अम्ल लिखा गया है। तो हेलिक अम्ल 4 प्रकार के होते हैं, हेलिक अम्ल फर्स्ट, हेलिक अम्ल थर्ड, हेलिक अम्ल फिफ्थ और हेलिक अम्ल सेवंथ। ठीक है, तो आपके हेलिक अम्ल कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। तो हेलिक फर्स्ट अम्ल या हेलिक अम्ल फर्स्ट को आप लोग क्या बोलते हैं? हाइपोहेलस अम्ल बोला जाता है। हेलिक अम्ल फर्स्ट को आप लोग क्या बोलते हैं? हाइपोहेलस अम्ल बोलते हैं। इसके अलावा हेलिक अम्ल थर्ड को आप लोग क्या बोलते हैं? हेलस अम्ल बोला जाता है। देखिए, यहां पर हाइपोहेलस बोला जा रहा था, हेलिक अम्ल फर्स्ट को हाइपोहेलस बोला जा रहा था, जबकि हेलिक अम्ल थर्ड को क्या बोला जा रहा है? हेलस अम्ल बोला जा रहा है। इसके अलावा हेलिक अम्ल फिफ्थ है, ठीक है, हेलिक अम्ल 5 को आप लोग क्या बोलते हैं? हेलिक अम्ल बोलते हैं। हेलिक अम्ल 5 को क्या बोला जाता है? हेलिक अम्ल ही बोला जाता है। इसके अलावा हेलिक अम्ल 7 है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? पर हेलिक अम्ल बोलते हैं। हेलिक अम्ल 7 को क्या बोलते हैं? पर हेलिक
अम्ल बोलते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन का सिर्फ सिर्फ एक आपका ऑक्सो अम्ल पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफ्लोरस अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है HOF, क्या होता है, HOF होता है, ठीक है। तो आपका यह होगा हेलिक अम्ल फर्स्ट का, किसका होगा, हेलिक अम्ल फर्स्ट का। फ्लोरीन जो है सिर्फ एक ऑक्सो अम्ल बनाता है, कौन बनाता है, हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है। इसके अलावा अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा चार जो ऑक्सो अम्ल बनाता है, चार टाइप के ऑक्सो अम्ल बनाता है, यही क्लोरीन बनाता है, ठीक है। पहला है आपका HOCl, क्या है, HOCl, इसको बोलते हैं हाइपो, देखिए सीएल है तो क्लोरो हो जाएगा, तो हो जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल। देखिए यहां पर आप लोग फ्लोरीन था तो फ्लोरस हो जाता था, तो यहां अगर क्लोरीन रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरस हो जाएगा। अच्छा यहां ब्रोमीन हो जाएगा तो ब्रोमस हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा तो आयोडेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका पहला हेलिक अम्ल फर्स्ट बनता है, आपका क्लोरीन का फर्स्ट हेलिक अम्ल जो बनता है वो क्या होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल, क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। नेक्स्ट आपका है HOClO, ये आपका हेलिक अम्ल थर्ड है, क्या है, हेलिक अम्ल थर्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला लिखते हैं HOClO लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा होगा क्लोरस अम्ल, देखिए यहां पर हाइपोक्लोरस था, यहां पर क्लोरस हो गया, ठीक। तो चूंकि क्लोरीन से है तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरस अम्ल। इसके अलावा जो आपका हेलिक अम्ल फिफ्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, क्लोरिक अम्ल बोला जाता है। इसके अलावा जो लास्ट है आपका क्लोरीन का जो चौथा टाइप का आपका ऑक्सो अम्ल है वह है हेलिक अम्ल, सेवंथ का एक टाइप, उसको बोलते हैं परक्लोरिक अम्ल। यहां पर क्लोरिक अम्ल, यहां पर परक्लोरिक अम्ल, यहां पर हाइपोक्लोरस, यहां पर क्लोरस, बात समझ में आई। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल समझ में आ गए होंगे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की संरचना आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अगला है आपका, चलिए इधर देख लेते हैं, आयोडीन वाला देख लेते हैं पहले। तो आपका जो हेलिक अम्ल फर्स्ट का आयोडीन वाला जो है ऑक्सो अम्ल क्या कहलाएगा, हाइपो आयोडस अम्ल कहलाएगा, लेकिन हेलिक अम्ल थर्ड वाला ये नहीं बनाता, अब बनाएगा नेक्स्ट कौन सा, हेलिक अम्ल फाइव वाला, यानी कि ये जो है आई थ्री की कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, आई फाइव की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है और आई सेवन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये अगला है HOIO2, क्या है, HOIO2, इसको बोलते हैं आयोडिक अम्ल, जैसे आप यहां पर क्लोरिक अम्ल बोल रहे थे उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, आयोडिक अम्ल बोलेंगे। अच्छा इसके बाद HOIO3 आ जाएगा, HOIO3 आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पर आयोडिक अम्ल, क्या बोलेंगे, पर आयोडिक अम्ल बोला जाएगा, ठीक। तो आपका आयोडीन तीन टाइप का जो है ऑक्सो अम्ल रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो आपका ब्रोमीन है तो ब्रोमीन भी तीन टाइप का ऑक्सो अम्ल रिप्रेजेंट करता है, एक है क्लोरिक अम्ल फर्स्ट का, तो क्लोरिक अम्ल फर्स्ट को क्या बोलते हैं, हाइपो ब्रोमीन के क्लोरिक अम्ल फर्स्ट को क्या बोलते हैं, हाइपोब्रोमस अम्ल बोला जाता है। ब्रोमीन के क्लोरिक अम्ल थर्ड को क्या बोलते हैं, ब्रोमिक अम्ल बोला जाता है, और ब्रोमीन के क्लोरिक अम्ल सेवन को क्या बोला जाता है, पर ब्रोमिक अम्ल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पर ब्रोमिक अम्ल बोला जाता है। भैया मैं हट जा रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये चीजें समझ में भी आई होंगी, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको बहुत घास पास लग रहा होगा ना कि देखो हेलिक अम्ल ये फर्स्ट है, ये हेलिक अम्ल सेकंड थर्ड है, ये हेलिक अम्ल फिफ्थ है, ये हेलिक अम्ल सेवन है, नाम एक ही जैसे लग रहे हैं, ठीक है। और अच्छा इधर देखेंगे तो आप हाइपो आयोडस है, यहाँ पे आपका सेकंड वाला हेलिक अम्ल थर्ड नहीं बनता है, हेलिक अम्ल फाइव वाला जो बनता है उसको क्या बोला जाता है, आयोडिक अम्ल बोला जाता है, और हेलिक अम्ल सेवन वाला जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, पराआयोडिक अम्ल बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है ये क्लोरीन वाला है और इसी का सिलेबस में आपके है इसकी संरचना। तो आइए देखते हैं क्लोरीन के जितने भी ऑक्सो अम्ल पाए जाते हैं सबकी संरचना क्या क्या होती है, किस टाइप से होती है। चलिए दोस्तों हमें क्या देखना है, अब देखना है क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की संरचना जो आपके सिलेबस में है। तो पहला क्लोरीन का ऑक्सो अम्ल क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल है, इसका फार्मूला क्या होता है, HOCl है, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस
अम्ल बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोक्लोरस अम्ल का देखा आपने कि क्या है फॉर्मूला, एच ओ एच ओ और ये आपका सी एल, ठीक है। तो आपने देखा यह किसकी संरचना है, हाइपोक्लोरस अम्ल की संरचना है, ठीक है। देखिए यहां से आपका एक हाइड्रोजन, भाई इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लिया। ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहां से हो गई और एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्लोरीन से हो गई, तो दोनों इसका पूरा हो गया भाई। दो कामा छह, यही तो दो कामा चार सॉरी छह सिक्स यही तो होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, दो चाहिए। इसका एक होता है तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, एक और चाहिए। अच्छा क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, तो 287 होता है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, एक चाहिए। तो इस तरीके से जो है इसका संरचना बनता है हाइपोक्लोरस अम्ल का। नेक्स्ट आपका क्या है, क्लोरस अम्ल है। नेक्स्ट आपका क्या है, क्लोरस अम्ल भैया, ठीक है, क्लोरस अम्ल है। इसकी आपको संरचना देखनी है। अब देखिए क्लोरस अम्ल का जो फार्मूला होता है वह होता है HOClO, क्या होता है HOClO। अब अगर आपको HOClO का संरचना बनाना है यानी कि क्लोरस अम्ल का बनाना है, तो आप बनाइए एक हाइड्रोजन, ठीक, इससे अटैच करिए किसको, ऑक्सीजन को। किसको अटैच करेंगे, ऑक्सीजन को। अब इसके बाद क्या करिए, एक जो आप क्लोरीन को अटैच कर दीजिए। अब आप देखेंगे क्लोरीन से अटैच करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया है। देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब बताया गया, मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपको जो है हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को पढ़ा रहा था, तो बताया था कि प्लस तीन प्लस पाँच प्लस सात, ठीक है, और ठीक ये जो है ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये संरचना ये ऑक्सीकरण संख्या भी ये प्रदर्शित करते हैं, हमने बताया था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर अब क्या है, क्लोरीन जो होता है यहाँ पर एक तो प्रदर्शित कर दिया, प्लस एक की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित ही कर दिया ऑलरेडी, प्लस एक तो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन आपको ऐड कराना है, और ऑक्सीजन अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो उसको कम से कम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वह क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप लोग यहां पर करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का, तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 लिखते हैं आप लोग, ठीक। अगर आप देख रहे हैं कोषों की संख्या तीन जा रही है, कोषों की संख्या तीन जा रही है, यानी कि थर्ड कोष में अगर ये जा रहा है, इसका मतलब डी कक्षक जरूर उपस्थित होगा, और वो कैसा होगा, वैकेंट होगा यानी कि खाली होगा, इसलिए जो है अपने आप ये जो है अपना प्रसार कर सकता है। इस वजह से ये जो है हमने आपको बताया भी था वहां पे फिगर बना के बाकायदे किस तरीके से प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता था रिक्त डी ऑर्बिटल वाले में, तो जो है प्लस तीन बनाता था, फिर इसके बाद प्लस पांच कैसे बनाता था, फिर हमने आपको बताया था प्लस सेवन भी किस प्रकार से बनाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण यह आपका क्लोरस अम्ल का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगला है आपका क्लोरिक अम्ल। अगला क्या है, क्लोरिक अम्ल। अगला क्या भैया, क्लोरिक क्लोरिक अम्ल। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है HOClO2। क्या होता है, HOClO2, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें इसमें जो है आपको संरचना बनानी है क्लोरिक अम्ल की। अब देखिए आप क्या करिए, H ले लीजिए, इसको आप अटैच कर दीजिए किससे, ऑक्सीजन से अटैच कर दीजिए जो बीच का है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सीएल हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी दो ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन कहाँ से अटैच हो जाएगा, इससे, ठीक, यानी कि प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कौन, आपका क्लोरीन, ठीक। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, दो तीन लेक्चर पहले मैंने आपको ये चीजें बताई थी ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके, बात समझ में आई। तो चलिए इस तरीके से आप देखें भैया HOClO2 हो गया, HOClO2 ही तो था, ठीक। नेक्स्ट आपका है अगला परक्लोरिक अम्ल। अगला क्या है आपका, ये देखिए आपका ये पहला था, ये पहला था, ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा था, अब आपका चौथा आता है
पर क्लोरिक क्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं HOClO3। क्या बोलते हैं? HOClO3 बोला जाता है, ठीक है। अब अगर इसका हमें संरचना बनाना है तो यहां पर हम लोग इसका भी बना लेते हैं भैया H, ठीक, इससे जुड़ेगा कौन? आपका ऑक्सीजन। इससे कौन जुड़ेगा? आपका क्लोरीन, ठीक। HOCl तक तो बन गया यहां तक। अब तीन ऑक्सीजन आपको जोड़ने हैं, तो एक ऑक्सीजन यह हो गया, दूसरा ऑक्सीजन आपका इस टाइप से जुड़ जाएगा ये, और तीसरा ऑक्सीजन जो आपका कुछ इस टाइप से जुड़ जाएगा, ठीक है। HOClO3 1 2 3, ठीक। तो आपने देखी, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर फ्लोरस अम्ल बात कर लिया जाए तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप यहाँ क्लोरीन को हटा करके क्या ऐड कर दीजिए? फ्लोरीन, तो हो जाएगा किसकी संरचना? हाइपोफ्लोरस अम्ल की हो जाएगी। अच्छा अगर हाइपोब्रोमस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ब्रोमीन कर दीजिए, ठीक। अगर आपको आयोडस की बात करते हैं, हाइपोआयोडस की बात करते हैं, आयोडीन कर दीजिए। बात समझ में? यानी कि जहां जहां क्लोरीन है अगर वहां वहां आप जो है आयोडीन लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे या फिर जो है फ्लोरीन लगा देंगे तो बदल जाएगा, लेकिन फ्लोरीन का ध्यान रखिएगा सिर्फ हाइपोफ्लोरस अम्ल ही बनता है, सिर्फ एक ऑक्सो अम्ल बनता है। चलिए दोस्तों अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, अंतरा हैलोजन यौगिक, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक, ठीक है, हमें यह पढ़ना है। देखिए होता क्या है, पहली चीज तो यह जान लीजिए अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होता है? जब दो विभिन्न प्रकार के, ठीक है, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के हैलोजन आपस में क्रिया करके कोई नया यौगिक बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक। देखिए अंतरा का मतलब इंट्रा हो गया, ठीक है, मतलब जैसे क्या होता है कि दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? इंट्रा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब वो हो गया इंट्रा हैलोजन कंपाउंड। अब इसकी आइए हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। हमने कहा जब दो भिन्न 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 या अलग अलग क्या कौन क्या चीज हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो प्राप्त यौगिक को, प्राप्त यौगिक को, प्राप्त यौगिक को क्या बोला जाएगा भैया? अंतरा हैलोजन, अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरा हैलोजन यौगिक, ठीक है। बात समझ में आई भैया? तो उम्मीद करते हैं आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी कि अंतरा हैलोजन यौगिक की डिफिनीशन क्या है, ठीक। अब देखते हैं कि जो इसके जो नॉर्मल संगठन होते हैं, मतलब कि नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मली ये जो होते हैं ये तीन चार टाइप के होते हैं। कैसे? जैसे आपका एक हैलोजन को आपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो हो गया एक टाइप एक्स एक्स डैश टाइप का, एक्स एक्स डैश टाइप का, एक तो आपका यह हो गया। दूसरा हो गया आपका एक्स एक्स डैश थ्री टाइप का, ठीक। तीसरा आपका हो गया एक्स एक्स डैश फाइव टाइप का, और चौथा आपका हो गया एक्स एक्स डैश सेवन टाइप का, ठीक है। आपको पहले से पता है कि ये +7 ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से? +1
प्लस थ्री, प्लस फाइव और प्लस सेवन। अभी आपको भी थोड़ी देर पहले ऑक्सोमल में भी हमने अपने क्लोरीन रिएक्शन करके दिखाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता है कि यह चार टाइप के विशेष चार टाइप के होते हैं, एक्स एक्स डैश टाइप के, एक्स एक्स डैश थ्री टाइप के, एक्स एक्स डैश एक्स डैश फाइव टाइप के, और अगला आपका नेक्स्ट है एक्स एक्स डैश सेवन टाइप का, ठीक है। तो इतने अंतरा हैलोजन यौगिक जो है यह रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहां पर क्या होता है, जो हमारा एक्स होता है इसकी साइज बड़ी होती है, मतलब यह साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। वहीं पे जो हमारा एक्स डैश होता है इसकी साइज कैसी होती है, छोटी होती है। बात समझ में आई, जो हमारा एक्स डैश होता है इसकी साइज छोटी और एक्स की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। बात समझ में आई भैया, इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक। अच्छा, जितने भी प्रतिअणु परमाणुओं की संख्या बढ़ती है उसी प्रकार से एक्स डैश की त्रिज्या का अनुपात क्या करता है, बढ़ता जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो है कौन किस प्रकार से इनका हम लोग अंतरा हाइड्रोजन यौगिकों का विरचन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका विरचन किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। किसका हम लोग को विरचन करना है, अंतरा हैलोजन यौगिकों का विरचन करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो इनका विरचन जो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिकों का विरचन, इनका सीधे संयोग क्रिया अभिक्रिया के द्वारा, कैसे, संयोजन अभिक्रिया के द्वारा, संयोजन, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, संयोग अभिक्रिया, मतलब योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, संयोग अभिक्रिया के द्वारा सीधे सीधे इनका निर्माण किया जा सकता है, सीधे सीधे इनका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसका जो है निर्माण सीधे सीधे कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो आपका ये है, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्स डैश टाइप है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए, हम लेते हैं F2, भाई द्वि परमाणु होता ही है, आपका जो हैलोजन समूह है इसके जो तत्व होते हैं द्वि परमाणु होते हैं, आपको पता है। F2 ले लिया हमने, इसकी क्रिया किससे करा दी, Cl2 से, यानी कि क्लोरीन की क्रिया फ्लोरीन से करा दी। कब कराते हैं क्रिया, ये हाई, ये लगभग 437 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, कब कराते हैं, 437 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। देखिए, खास करके याद करिएगा कि मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी चीजें बताई हैं, जितना उसका टेम्परेचर बताया सब डिग्री केल्विन में ही बताया है, ठीक है। बहुत शायद एक रिएक्शन का या अभी तक शायद किसी रिएक्शन का भी नहीं बताया डिग्री सेल्सियस में, मैक्सिमम रिएक्शन का आपका जो है डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन में ही हमने टेम्परेचर बताया। अब कह रहे हैं कि फ्लोरीन की क्रिया क्लोरीन से 437 डिग्री केल्विन पर करा दीजिए, तो आपका एक्स एक्स डैश टाइप का जो हैलोजन तैयार हो जाता है। तो बनेगा क्या, अभी आपको बताया गया एक्स एक्स डैश टाइप का हैलोजन बनेगा, और हमने बता रखा है कि जो आपका एक्स होगा वह बड़ा होगा साइज में, और एक्स डैश कैसा होगा, छोटा होगा, यानी कि बनेगा क्या, सीएल एफ, क्या बनेगा, सीएल एफ बनेगा। अब पूछे सर कैसे सीएल एफ, एफ सीएल भी तो बन सकता है, कह दीजिए सर एफ सीएल भी तो बन सकता है, सीएल एफ आपने क्यों लिखा, बात यह भी तो आती है। इसलिए लिखा क्योंकि हमने अभी अभी आज ही के लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया है कि जितने भी आवर्त सारणी में तत्व होते हैं सबसे छोटा साइज किसका होता है, इस फ्लोरीन का होता है, ठीक। तो हमने बताया यहां पर कि x डैश का मान छोटा होगा, x का जो x की साइज होगी वह बड़ी होगी, तो यहां पर x इसीलिए हमने बड़ा रखा है, बड़ा कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन कैसा है साइज में, छोटा, इसलिए इसको हमने बाद में लिया, ठीक है, x डैश वाले प्लेस पर हमने इसलिए फ्लोरीन को लिया है, इसीलिए हमने यहां पर सीएल एफ लिया है। बात समझ में आई भैया, उम्मीद करते हैं इतनी चीजें अभी तक आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक, x x डैश
थ्री टाइप का देख लेते हैं, एक्स एक्स डैश थ्री टाइप का देख लेते हैं। चलिए यहां पर हम लोग फिर से क्या करते हैं, यहां पर हम लोग फ्लोरीन को लेते हैं फिर से एक बार, और फ्लोरीन की क्रिया किससे कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं। किससे कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं। 540 डिग्री केल्विन के आसपास टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, 540 डिग्री के आसपास केल्विन के आसपास टेम्परेचर देते हैं। अब क्या देखते हैं कि हमारा बन क्या जाता है, Cl F3 बन जाता है। क्या बन जाता है, Cl F3 बन जाता है, ठीक। अब देखेंगे Cl F3 बनाने के लिए, अब भाई ये आपका बन तो गया X डैश थ्री यही तो है। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि X डैश का साइज छोटा होगा, इसीलिए F3 हो गया यहां पे, F3 की साइज फ्लोरीन की साइज छोटी है, ठीक। अब आप देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस नहीं, यहां पर 3 फ्लोरीन है, यहां पर 2 फ्लोरीन है, ठीक। तो आप कर दीजिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्लोरीन भी बैलेंस हो गया और 3 × 2 = 6 फ्लोरीन हो गया। अब यहां कर दीजिए 3F2, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि X-3 टाइप का आपका जो है अंतरा हाइलोजन कंपाउंड निर्मित हो गया, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग जो है ब्रोमीन की रिएक्शन जब फ्लोरीन से कराते हैं तो ये जो है आपका X-5 टाइप का मिलता है। ब्रोमीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, फ्लोरीन से कराएंगे। आइए देख लेते हैं भाई, ब्रोमीन आपका क्या है, हाइलोजन है, Br2 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, फ्लोरीन से करा रहे हैं, ठीक। अब आपको प्राप्त होता है क्या, Br F5, ठीक। अब देख रहे हैं कि यहां पर हमें X-5 टाइप का मिल रहा है, जो आपको अंतरा हेलोजन यौगिक मिल रहा है वह X-5 टाइप का मिल रहा है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन की साइज बड़ी है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, इसीलिए जो आपको जो है F को 5 लिखा गया, ठीक। अब यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहां पर जो आप 2 लगा दीजिए, 5 × 10, इसका मतलब यहां पर 5 ब्रोमीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको X-5 टाइप का अंतरा हैलोजन यौगिक प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से 7 वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो 7 वाला आप लोग निकाल करके कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका इसकी प्रॉपर्टीज, तो आइए हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, साथ ही साथ इसका उपयोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके गुणों की बात कर लेते हैं, किसके, अंतरा हैलोजन यौगिकों के। तो अधिकतर क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो भूरा पीला इस टाइप का जो है कलर भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा जो है यौगिक बना रहा है, किस टाइप का जो है आपका अंतरा हैलोजन यौगिक है, उसके आधार पर इसका कलर डिसाइड होता है। अवस्था मैक्सिमम क्या होता है, या द्रवित अवस्था में होते हैं या गैसियस अवस्था में होते हैं, ठीक है, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में होते हैं, कुछ एक में क्या होते हैं, ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। प्रकृति इसकी प्रतिचुंबकीय होती है, ठीक। अच्छा, यह क्या करते हैं, सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा, इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वह हाइलोजन परिवार के जितने तत्व होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है, चाहे आप गलनांक की बात करें चाहे क्वथनांक की बात करें, दोनों इसका जो है हाइलोजन परमाणु जो हैलोजन परिवार के जितने तत्व हैं प्योर कंडीशन में उससे ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, हैलोजन से जो है अधिक क्रियाशील भी होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, इट इज मोर रिएक्टिव देन कंपैरिजन ऑफ हैलोजन फैमिली एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, जल अपघटित होकर के जो होता है, जो छोटा हैलोजन होता है वह क्या करता है, हैलाइड आयन बनाता है, लेकिन जो आपका बड़ा हैलोजन होता है वह जो है हाइपोहैलाइट, हैलाइट तथा हाइलाइट और परहैलाइट का निर्माण करता है, ठीक है। ऐसे समझिएगा कि जैसे आप जो है जल अपघटन कराते हैं, किसका, X-X' का, ठीक है। तो यहां से जब इसका जल अपघटन कराते हैं, यानी कि जल के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक, तो यह क्या करेगा, यह करेगा क्या, यहां से देखिए, यहां से क्या होगा, अब कह रहा जो छोटा वाला होगा वह हैलाइड आयन देगा, हाँ, छोटा वाला कौन, X' है, तो क्या बना लेगा, X-H, या इसको आप लोग बोल सकते हैं
एच एक्स डैश, क्या बोल सकते हैं एच एक्स डैश, या इसको हम बोल सकते हैं हाईलाइट एंड बना लिया। अब अगला क्या करेगा, जो आपका बड़ा वाला है, बड़ा कौन है, एक्स बड़ा है, ठीक। अब बड़ा वाला क्या बनाएगा, यहां अगर एक्स एक्स डैश से क्रिया करेगा तो हाई को हाईलाइट बनाएगा, अगर एक्स एक्स डैश थ्री से क्रिया करेगा तो हाईलाइट बनाएगा, अगर एक्स एक्स डैश फाइव से क्रिया करेगा तो हाईलाइट बनाएगा, अगर एक्स एक्स डैश सेवन से क्रिया करेगा तो पर हाईलाइट का निर्माण करता है, ठीक है, पर हाईलाइट आयन बनाता है। यहां पर एक्स एक्स डैश से क्रिया कर रहा है तो देखिए यहां पर बचा है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा एच OH, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। यहां आपने देखा छोटा वाला जो है क्या बना लिया, हैलाइड आयन बना लिया, एच एक्स आयन बना लिया, जो बचा हुआ है इसके साथ जुड़ जाएगा तो मिल क्या जाएगा आपको एच ओ एक्स, एच ओ एक्स या एक्स ओ एच भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो आपको इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से अगर आपका जो है यहाँ पर एक्स एक्स डैश के स्थान पर एक्स एक्स थ्री डैश मिलेगा तो आपको हाईलाइट मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपो, इसको क्या बोलते हैं हाइपो हाईलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हाइपो हाईलाइट बोलते हैं। अच्छा अगर यहाँ पर आपका एक्स एक्स डैश थ्री रहता तो आपको मिलता हाईलाइट, अगर एक्स एक्स डैश फाइव रहता तो यहाँ पर क्या मिलता हाईलाइट मिलता, अगर यहाँ पर एक्स एक्स डैश सेवन रहता तो यहाँ पर क्या मिलता पर हाईलाइट का निर्माण होता, पर हाईलाइट आयन निर्माण बनता, ठीक। नेक्स्ट इसका उपयोग देख लेते हैं, तो ये क्या होता है विलायक के रूप में प्रयोग किया था, कैसे विलायक के रूप में, अजलीय विलायक के रूप, मतलब एक ऐसा विलायक जिसमें जल आपका प्रेजेंट नहीं होता तो अजलीय विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब जो अंतरा हाइलोजन यौगिक होता है उसका उपयोग अजलीय विलायक के रूप में करते हैं। दूसरा क्या होता है फ्लोरीनीकरण कारक होता है, फ्लोरीनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है, फ्लोरीनीकरण रिएजेंट होता है, ठीक, कौन आपका अंतरा हाइलोजन यौगिक। नेक्स्ट है आपका CLF3 और BRI3 का जो है उपयोग यूरेनियम के निर्माण में, ठीक है, जो 92 यूरेनियम होता है 238, ठीक है, तो यूरेनियम जो रेडियोएक्टिव तत्व होता है उसके निर्माण में करते हैं और वह जो है UF6 का निर्माण करता है, ये सब मिलकर के UF6 का निर्माण करते हैं और उसी UF6 से हमें क्या मिलता है यूरेनियम की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे ही चलता है, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, ठीक, यूरेनियम हो गया, ये यूरेनियम के कल्चर के, यूरेनियम के संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो आपका जो है यूरेनियम हो गया। अब इस यूरेनियम की क्रिया यहाँ से आप चाहे CLF3 से करा लें, चाहे आप BRI3 से करा लें ब्रोमीन, ठीक है, ये वाले से करा लें या इससे करा लें, तो आइए हम लोग जो है यूरेनियम से क्रिया कराते हैं, किसकी CLF3 की, CLF3 की क्रिया करा लें, ठीक। जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो बनाता क्या है UF6, क्या बनाता है UF6 बनाता है और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा CLF प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये जो UF6 बना है इसी से आपका जो है यूरेनियम का कल्चर किया जाता है, यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है। अच्छा इसको रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ 6 है, ठीक है, और यहाँ तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ कर लीजिए आप लोग 3 CLF3 कर लीजिए, ठीक। अब ये हो गया आपका यूरेनियम F6, तो 3 9 9 अगर हो गया तो 6 यहाँ हो गया और यहाँ पर आप लोग 3 Cl कर लीजिए, 3 Cl F, इस तरीके से आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी के साथ साथ आपका ग्रुप 17 या वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं उनका जो है जिनके जितने यौगिक बनते थे इंपॉर्टेंट वह सब समाप्त होता है। अब सिर्फ बचता है आपका वर्ग 18 के तत्व, ठीक है, वर्ग 18 के तत्व, तो हम लोग जिसको बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है, इनर्ट गैस भी बोला जाता है, अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है, तो आइए हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन यह अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, जो कि आपका इस पी ब्लॉक के तत्व का लास्ट लेक्चर होगा।